हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द बेटा चैप्टर फैक्टराइजेशन। रिवीजन हम करेंगे उसकी। ओके, बहुत ध्यान से ये चैप्टर करना है, क्योंकि अभी 9th में बेटा इसकी बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस है। हमें प्रॉपर जो है इसको आना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 14th बेटा। ओके, रिवीजन करनी है तो हम क्वेश्चंस ही करेंगे, ताकि आपको अपने आप सारा पता चल जाए कैसे कैसे करने। ओके, ओपन योर पेज 220। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन प्रोसेस। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है, पहले तो एक बार वो रिकॉल कर। फर्स्ट मेथड, दो टर्म्स दी हैं या थ्री टर्म्स दी हैं, हम सीधा कॉमन लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, कॉमन लेने वाला। ठीक है, कि और कुछ नहीं, मेरे पास जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है, मैंने बाहर ले लिया, काम खत्म, मेरे फैक्टर्स बन गए। ओके, सेकंड मेथड, मेरे पास सेकंड मेथड क्या होता है, रीअरेंज करके। जब फोर टर्म्स हो जाएंगी हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, टू टू की ग्रुपिंग करते हैं। ओके, टू टू की ग्रुपिंग। ओके, तो फिर दो में से कॉमन हम चीजें लेते हैं और अगेन क्या बना देते हैं, फैक्टर्स बना देते हैं। ओके, क्लियर। नाउ द थर्ड मेथड मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, एक बार रिव्यू करवा रही हूं ताकि आपको पता चले। फिर हमारे पास है समटाइम्स वी यूज फॉर्मूलास, आइडेंटिटीज, जिसको आप कहते हो। हम आइडेंटिटीज यूज करके भी हम क्या करेंगे बेटा, उसको फैक्टराइज करते। बस यही चार मेथड है और कुछ नहीं, हमने देखना है कौन सा अप्लाई होता है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, ये फैक्टराइजेशन जो है, जो सिलेबस आपको सेंड किया है वो सारा सिलेबस आना है। आपको बता दिया कि पिछला जो है 10% 20% जो भी है, सारे चैप्टर्स आपको सारा बता दिया हुआ है ग्रुप में, मैंने मैसेज किया हुआ बेटा, देखना वो चैप्टर सुन। इक्वल वेटेज कोई वो नहीं है, चैप्टर वाइज वेटेज होती है। ये नहीं होता कि पिछला आएगा तो उसमें से कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, मार्क्स में ऐसा कुछ नहीं, हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते। ओके, क्लियर। चलिए अब हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दैट। ठीक है बेटा, यू गॉट, क्लियर हुआ बेटा। चलो क्वेश्चन सेकेंड, फर्स्ट पार्ट फ्रॉम योर एक्सरसाइज 14.1। मेरे पास में देखो 7x-42, कुछ और कर ही नहीं सकते हम, क्यों नहीं कर सकते हमारे पास, क्योंकि दो ही टर्म्स है ना, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म थ्री में लगती है, अगर आइडेंटिटी लगनी है तो a²-b² कोई स्केयरिंग है ही नहीं, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 7 कॉमन लेके यहां पर बस हो गया ना, फैक्टराइजेशन होगी, काम खत्म, समझ आ गया। चलो करो नेक्स्ट सम कीजिए सारे बच्चे, और शो मी योर कॉपीज। 60-12q, जल्दी एंजल क्या करेंगे बेटा इसमें, वेरी गुड, 6 कॉमन, देन व्हाट इज लेफ्ट, बिल्कुल सही, थर्ड हमारे पास जो है दैट इज। चलो युगांक बताइए बेटा क्या करेंगे इसमें, वेरी गुड, 7a इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, प्लस जो साइन होता है वो एज इट इज, और क्या आएगा, 2। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है, हाँ जी नेक्स्ट मेरे पास जो है फोर्थ पार्ट, माइनस 16z+20z³, क्या करें, क्या करें इंजन, टू, ओनली टू, ये मैक्सिमम देखते हैं ना कॉमन, आप टू लोगे तो 8 बचेगा, इधर 10 बचेगा, और टू कॉमन आ सकते हैं ना, तो 4 कॉमन हुआ ना, और माइनस लेना ले लो, नहीं लेना ना लो वो आप पे है, लेकिन जेड कॉमन जरूर है, समझ आई बात। तो लेट अस टेक 4z कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, माइनस 4
प्लस मेरे पास 5z² हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट इज इट क्लियर टू यू सबको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अगम एंड शरीन लेट अस पिन देयर पिक्चर देखते हैं कि कैसे किया बेटी अगम इसको कंप्लीट कीजिए टू और कॉमन लीजिए बेटा मैंने बोला अभी सी अगम सी इट चलो कोशिश का देखते हैं करेक्ट कीजिए अगम चलिए कशिश का देखते हैं यस कशिश वेरी गुड बेटा 100% करेक्ट गुड चलिए जयंत का देखते हैं लेट अस सी यस ओके वेरी गुड चलिए विदांति थोड़ा सा ऊपर करो बेटा कॉपी वेदांति थोड़ी ऊपर करो बेटा ऊपर वर्टिकली ऊपर हाँ जी ओके वेरी गुड बेटा यू हैव टेकन 4 कॉमन ओके दैट्स नाइस चलिए बेटा चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके मनीषा नेक्स्ट सम देखूंगी मैं आपका लेट अस डू द नेक्स्ट आगे आगे करते जाइए मुझे कॉपी दिखाते जाइए और देखते हैं हम कौन बच्चा सबसे आगे चलता है फिफ्थ पार्ट मेरे पास जो है दैट इज 20L² M प्लस 30AL M ओके 10LM कॉमन 2L प्लस 3A दैट इज लेफ्ट क्लियर चेक करो सभी बच्चे यू वांट डन एंजल चलो डू द नेक्स्ट पार्ट हरी अप वेरी गुड योगा तुम आप क्लास में तो बेटा तुम बोलता नहीं था है ना क्या इस शर्म आती है डोंट फील शाय अगर लाइफ में आगे बढ़ना है आप लोगों ने कि ये को मैम ऑनलाइन में ना हम आंसर तो फिर क्या मैं एक हाँ मैं एक बात आप सबको बताऊं बेटा डोंट फील हेजिटेट इन सच ए थिंग लोग क्या कहेंगे जब आपने रिसेंटली आई हैव लिसन अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड एंड गिव द मोटिवेशनल लेक्चर्स वो कहती है कि जब आप कुछ अलग करना चाहते हो ना तो लोग आपको जरूर क्या करते हैं गिराएंगे और हम जब कोई गलती करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना अगर हम कोई मिस्टेक ही नहीं करेंगे हम कोई ठोकर ही नहीं खाएंगे तो हाउ वी लर्न एनीथिंग है ना प्रैक्टिस करेंगे गलती होगी हम गलत बोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने ये गलती की है तो लेट इट बी तो ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ट्राई टू शो मी योर कॉपी गलती हो गई तो कोई बात नहीं फिर क्या हुआ भगवान ने भेजा गलती करने के लिए गलती करेंगे लर्न होगा कुछ तो हम लेसन सीखेंगे ठीक है ना मेरा बेटा ओके चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन चलो कौन बताएगा मुझे ऑनलाइन में से आर्यन आर्यन अनम्यूट योर सेल्फ बेटा आर्यन यस मैम हाँ आर्यन बोलो मेरा बेटा आंसर बोलो इसका क्या आएगा वेरी गुड कैसे करेंगे हम आर्यन इसमें से हाउ वी लर्न इट हाउ वी डू इट सॉरी जल्दी जल्दी चलो प्रबलीन से पूछते हैं यस प्रबलीन हाउ विल डू इट मैम 5xy को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा x-3y वेरी गुड x-3y देखो आगे इनकी और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है ना तो दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा आर्यन ट्राई टू आंसर इट बेटा अगर नहीं आता कोई बात नहीं आप बोलो मैम मुझे नहीं आता प्लीज आप दोबारा बता दो ओके मेरा बेटा आर्यन क्लियर बट कोशिश करो गलत कोई बात नहीं हो जाता है कोई बात नहीं बट कोशिश करनी पड़ेगी हमें यस आर्यन चले आगे ओके चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ पार्ट मेरे पास जो है माइनस
जो है सॉरी 10 ए स्क्वायर माइनस मेरे पास जो है 15 बी स्क्वायर और प्लस 20 सी स्क्वायर। ओके कौन देगा मुझे आंसर? बहुत सारे बच्चों के हैंड खड़े हैं, वेरी गुड। चलो पर्ल, यस पर्ल मेरा बेटा। मैम इट इज हम 5 को कॉमन ले लेंगे। हाउ मच वी हैव टू टेक कॉमन? हम 5 5 अगर मैं 5 लेती हूँ, ओके ठीक है बेटा, वेरी गुड। उसके बाद 5 2 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। और मैंने कहना था कि जो 6th क्वेश्चन है मैम, अगर हम उसमें माइनस 5y कॉमन लेते हैं तो अगर हम उसे 3y से माइनस 3y से मल्टीप्लाई करते हैं वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बिल्कुल 100% मैम। तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन में वो नेगेटिव है माइनस माइनस 15y के xy। हाँ तो मैंने माइनस ही लिया बेटा, अगर ये माइनस है तो मैंने माइनस ही रहने दिया यहाँ पर। पर अगर आपने कॉमन जो है वो माइनस माइनस 5y लिया है। मैंने माइनस नहीं लिया बेटा, ये इक्वल टू है, देखो दिस इज इक्वल टू। अदरवाइज लोअर योर हैंड सो दैट मुझे पता चले। ओके जयंत वांट टू आंसर आस्क समथिंग? यस ओके नो वेरी गुड। चलिए लेट अस डू द 8th पार्ट बेटा, चलो फटाफट करिए, जल्दी जल्दी बी फास्ट, जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स करिए और मैथ कीजिए, फिर जो प्रॉब्लम है मेरे से पूछिए। ओके 8th पार्ट मेरे पास जो है माइनस, मेरे पास जो है 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी एंड माइनस 4 सी ए। हाँ जी 4 ए कॉमन लेंगे, युवांश कह रहा है, पर बाकियों से भी पूछते हैं, युवांश गलत भी हो सकता है। चलो जी युवांश विदांति चल बेटा बताओ। मैम 4 ए वी विल टेक 4 ए कॉमन। ओके देन व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? माइनस ए प्लस बी माइनस सी। माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ओके दैट इज आल्सो करेक्ट। एनी अदर मेथड कुछ और कर सकते हैं? माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। आप माइनस कॉमन लेना, आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आपका एक स्टेप ये हो जाएगा, बस यहाँ पर ऐसे चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके क्लियर, और कोई बात तो नहीं, चले बेटा आगे। क्लियर तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 9th पार्ट बेटा। ओके 9th पार्ट इज x square y z plus x y square z plus x y z square। चलिए क्या करेंगे अब यहाँ पर, what we will do? Bubbleen चलो it's your turn Bubbleen। We will take x y z as common and in brackets x plus y plus z। Okay जो है मेरे पास जो है आपने कहा टेक एक्स वाई जेड कॉमन एंड यू लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो आगे इनकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही ना, दैट्स वेरी गुड बबली। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है 10th पार्ट, लेट अस डू द 10th पार्ट। चलिए चलिए it's c x y z, चलिए बताइए। ओके मनीषा वेरी गुड, मनीषा सिया वेरी गुड। चलिए मनीषा से पूछते हैं फिर सिया से पूछेंगे। चलिए बेटा मैम वी विल टेक x एंड y कॉमन एंड इन द ब्रैकेट इट विल बी ax plus by plus cz।
वेरी गुड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, आगे इनकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, आंसर है, ओके वेरी गुड। चलिए अब ये था, अगर हम देखें ये टाइप में हमने क्या किया, सब में से कॉमन ही लिया है ना, सब में से कॉमन आ रहा है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि दो दो की कंबाइनिंग, कुछ भी नहीं, जितने पार्ट्स 10 क्वेश्चंस किए 10 के 10 में सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दो दो की ग्रुपिंग, दो दो की ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर एंड में हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो अभी टू टू की ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना है, टू टू की ग्रुपिंग करनी है। तो मेरे पास जो है क्वेश्चन जो है थर्ड, फर्स्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई। चलो अब फोर टर्म्स आ गई ना, फोर टर्म्स में दो ही तरह हो सकता है, तीन की ग्रुपिंग वन सेपरेट, या टू टू की ग्रुपिंग में से कर लो, ठीक है। अब टू टू की कर ले, चलो युगांक का कहना मान लेते हैं, युगांक इज सेइंग कि मैम टू टू की ग्रुपिंग कर लो। चलो मेरे दिमाग में यह आया कि फर्स्ट टू और लास्ट टू क्या करें, फिर x कॉमन ले लें x प्लस y, 8 कॉमन ले लें x प्लस y, x प्लस y कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट, x प्लस 8, क्लियर। चलो वेरी गुड, दोज हु आर शोइंग मी वेरी गुड, प्रबलीन विदांती आई हैव सीन योर कॉपी, वेरी गुड, डू द नेक्स्ट, जल्दी जल्दी फटाफट दिखा के जल्दी जल्दी अगला किया करो। Now the next, मेरे पास जो है 15 एक्स वाई जो है माइनस 6 एक्स प्लस 5 वाई माइनस 2, हाँ जी टू टू की ग्रुपिंग करें, कौन बताएगा हाउ टू डू इट। चलिए दिया, दिया हांडा, दिया बताएगी, काफी देर हो गई है रेज हैंड नहीं किया दिया ने, दिया अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, दिया हांडा अनम्यूट योर सेल्फ, जल्दी जल्दी दिया, हाँ जी दिया, दिया बताइए कैसे करेंगे बेटा ये क्वेश्चन। मैम कौन सी क्वेश्चन, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है बेटा क्वेश्चन थर्ड सेकंड पार्ट, मैम कॉमन एंगे वेरी गुड, आपने कहा कि मैम इन दोनों को हम री ग्रुप कर लेते हैं, मैंने ये ग्रुप कर दिया और बाकी टू टर्म मैंने ऐसे लिख दिए, वेरी गुड दिया, आप कह रहे हो कि 5y कॉमन ले लेते हैं, देन व्हाट इज लेफ्ट 3x प्लस 1, अब इसमें से क्या कॉमन, माइनस 2, वेरी गुड, माइनस 2 विल बी टेकन कॉमन, हियर इट लेफ्ट 3x प्लस 1, मैं ग्रुपिंग वाले में एक ही चीज, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, हां जी 5y माइनस 2, वेरी गुड, वेरी गुड दिया बेटा। देखो बेटा मैं एक ही चीज आप सबको समझाती हूँ, जब भी आप दो दो की ग्रुपिंग करते हो ना, तो जो ब्रैकेट में सेम सेम टर्म्स बचनी चाहिए, बस ये याद रखना, ब्रैकेट में सेम सेम टर्म्स बचनी चाहिए, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है यहाँ सेम सेम टर्म बच गए, तो दैट मींस मेरे पास जो है वो ठीक है, दिस इज माय आंसर, क्लियर, ओके विदांति प्रबलीन वेरी गुड। चलिए डू द नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास थर्ड, ओके थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट लेट अस डू। चलिए ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई, हाँ जी चलो कौन बताएगा, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी हैंड रेज किया करो, बाकी बस 5 बच्चों के हैंड रेज है, बाकी बच्चे इट्स टू बैड बेटा,
निखिल, प्रभजोत, विश्वास, वनिका, सिमरप्रीत, सम्यांग, सक्षम, रणबीर, प्रिंस, प्रांजलि, प्रभनूर, ये तो मजा नहीं आया। बाकी बच्चों के भी हैंड रेज होनी चाहिए, वो ही बच्चे बार 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 बार, है ना। चलो अगम एंड शरीन बताएंगे। चलो अगम एंड शरीन में से कौन बताने लगा, पहले नेम बताओगे? मैम अगम। ओके अगम, वेरी गुड अगम। बताइए बेटा कैसे करेंगे? हम कॉमन एक्स लेना। ओके वेरी गुड, वी विल टेक कॉमन एक्स। उसके बाद ब्रैकेट ए प्लस बी। वेरी गुड, ए प्लस बी। देन नेक्स्ट मैम माइनस वाई। माइनस वाई, वेरी गुड, ब्रैकेट ए प्लस बी। ओके ए प्लस बी, वेरी गुड। देखो अंदर ब्रैकेट में दोनों में सेम अंदर, तो ए प्लस बी एंड एक्स एक्स प्लस वाई, माइनस माइनस। ओके वनिका गुड, ओके रबलीन वेरी गुड। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए चलिए लेट अस डू द फोर्थ पार्ट। हाँ जी मेरे पास हो गए फोर्थ पार्ट इज 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। वनिका की कॉपी मैंने देख ली थी। चलिए बाकी बच्चे, ओके सिया, सिया की टर्न नहीं आई। यस सिया बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ सिया। मैम यस। हाँ जी बताइए। मैम फर्स्ट वी विल रीग्रुप। हाँ जी बताइए। 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू, ओके प्लस 15 प्लस 25 पी, ओके। देन नेक्स्ट वी विल टेक 3 क्यू कॉमन, Then bracket 5p plus 3 plus 5 common 3 plus 5p. देखिए 3 both the brackets are same, that means Sia बिल्कुल correct बता रही है। Now Sia बताइए बेटा 3q plus 5 5p plus 3। वेरी गुड बेटा, 100% करेक्ट किया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिफ्थ पार्ट। लेट अस डू द फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके आई एम रबिंग इट। चलिए फिफ्थ पार्ट, हाँ जी बेटा। ओके अंशिका, बाकी और कोई बच्चा जल्दी जल्दी बताइए। संयम, सक्षम, संयम सक्षम में से कोई एक हैंड रेज करिए और बताए मुझे हाउ टू डू दिस। देखते हैं ध्यान से देखेंगे। संयम सक्षम जल्दी जल्दी। प्रांजलि, ओके Sayam wants to answer this question. Yes, Sayam. Yes, Veda. Sayam, answer the question, Veda. Anji, Sayam, I have unmuted you. Chalo, might be some net problem is there. Chalo, Manisha ki turn nahi aayi. Chalo, Manisha, Veda. Bataiye. Ma'am, we will regroup it. So it will be now 7xy minus xyz plus 7 minus z, 7. Z minus. Now we will find the common ones. So it will be xy in the bracket 7 minus z minus 1 in the bracket 7 minus z
So the answer is 7 minus 8. XY minus 1. Okay. 100% correct. All of you just see. कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, सबको क्लियर है। ये हम ऐसे रीअरेंज ना भी करते तब भी हो जाना था क्वेश्चन। आप स्टार्टिंग में यहाँ से माइनस वन कॉमन लीजिए, यहाँ से सीधा कॉमन लीजिए, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, यस प्रबलीन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस प्रबलीन बेटा। मैम मेरी साइंस की प्रॉब्लम आ रही है, वो अलग आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आपका आंसर z माइनस 7 और 1 माइनस एक्स वाई है ना, कोई बात नहीं, मतलब दोनों से नेगेटिव लिया तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, आंसर तो वही रहा, ठीक है ना। कितना वेरिएशन जो है वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जयंत ने कुछ दिखाया है, लेट अस सी जयंत कॉपी है ना, यू वांट टू शो समथिंग, लेट अस सी जयंत क्या कर रहा है। जयंत ने रीअरेंज किया जेड को माइनस एक्स वाई जेड से, बिल्कुल करेक्ट है जयंत, वी कैन फॉलो दिस मेथड आल्सो। चलो प्रांजलि की कॉपी देखते हैं, उसने भी कुछ शो किया है हमें, जेड माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस सेवन जो है, और आफ्टर देन जेड इज टेकन कॉमन, देन माइनस सेवन एंड वन माइनस एक्स वाई। ओके प्रांजलि, डन बेटा। चलो प्रॉब्लम का देखते हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट है प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। साइन उल्टे हो सकते हैं, वेरी गुड, चलिए ठीक है। लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने दो टाइप्स कवर कर ली, कौन कौन सी की? एक हमने डायरेक्ट कॉमन, दो टर्म्स है, तीन कॉमन है, तीन टर्म रहा, और दूसरी टाइप कौन सी की? ग्रुपिंग वाली, दो दो के ग्रुप बनाए, वहां से दोनों से दो कुछ कॉमन हुआ, फिर बाद में भी कॉमन है। अब हम करेंगे सप्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, लेट अस डू सप्लिटिंग द मिडल टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई सम सप्लिटिंग से भी हो जाते हैं, कई डायरेक्टली आइडेंटिटी से भी हो जाते हैं, आप जिससे मर्जी बेटा कर सकते हो। ओके, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन डू इट बाय एनी मेथड। मैं पहले आपको आइडेंटिटीज बता रही, ठीक है, सप्लिटिंग टर्म भी उसी से हो जाएगा, आइडेंटिटीज भी उसी से हो जाते हैं। सबसे पहले जो आपने याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये टू ए बी पहले लिख सकते हो, बी स्क्वायर बाद में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्लियर। एंड द लास्ट आइडेंटिटी, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिर्फ दो टर्म्स है ना, तो इसकी जगह ए प्लस बी ए माइनस। ओके बेटा, सबको बात समझ आ गई, चले आगे बेटा। अब ठीक है, अब हमने देखना है कि सप्लिटिंग का मिडल टर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं, लेट अस डू ए स्क्वायर प्लस एट ए प्लस 60। ओके, अब क्या करें यहाँ पर, मैंने हमेशा क्या करना है, जब भी थ्री टर्म्स वाला आए ना, सबसे पहले मेरे माइंड में यही आना चाहिए, फाइंड आउट द टू टर्म्स जिनका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। ओके, फाइंड आउट द टू टर्म्स जिनका क्या एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूंगी, ए स्क्वायर और इधर 16 मींस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए और बी मैंने बना लिया। देखो 2 ए मेरे पास पहली टर्म थी, और बी, बी कितना, 4 का स्क्वायर। अब मैंने भूल जाना, अब मैंने चेक करना है कि जो मैंने ये स्प्लिट किया, जो मैंने चेंज किया, क्या सारी की सारी टर्म्स वही थी जो मेरे पास थी। ये ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 दिस, और प्लस 2 ए इज मेरे पास ए है, बी इज मेरे पास 4, ठीक है।
तो मेरे पास जो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्केयर, यहां नहीं छोड़ना, हाफ नंबर जो है ब्रेक हो जाना मेरा जो है वो मैं काट लूंगी, आपने इसको a plus 4 टू टाइम्स लिखना ही लिखना। यस विदांती बेटा। हाँ जी बेटा। मैम हम ये जो हमारा a square plus b square में हम a square plus b square minus 2a plus 2a भी होता है, हम उसको हम लास्ट में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको यहीं पे बताया, चाहे आप लास्ट में लिखो या मिडल में लिखो, डजंट मैटर। ठीक है विदांती? यस मैम। है ना, आप ऐसे लिख लो या आप ए स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? यस अगमंचरी। यस बेटा। हाँ जी बेटा। मैम रिपीट कर दो। हाँ मैं कर देती हूँ बेटा, दोबारा कर देती हूँ। देखो बेटा, मैंने सबसे पहले क्या देखना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द टू टर्म्स जिनका स्केयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैंने देखा ए का स्केयर, ठीक है, 16, 4 का स्केयर और प्लस 2 ए। अब मैंने भूल गई ऊपर से कुछ भी, मैंने ए देखा ए ही है और बी देखा 4 है। अब मैंने देखा ये ए स्केयर था, ये 4 स्केयर 16 था, 2 4 दा 8 ए, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरा एडजस्ट हो गया ना सारा। तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि मैंने देखा ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी। तो बेटा मैं यहाँ पर जो है क्या करूंगी कि आइडेंटिटी लगाऊंगी ए प्लस बी का होल स्केयर। साइड पे आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, यू हैव टू मेंशन हियर कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 ए बी, यू आर यूजिंग ए प्लस बी का होल स्केयर। ओके, डू मेंशन द आइडेंटिटी, ये बहुत जरूरी है। हाफ नंबर हम इसके काट लेते हैं, हाफ नंबर इसके काट लिए, 3 में से 2 बचा, सम भी पूरा किया, फायदा क्या हुआ, है ना, पूरा करना है अच्छी तरह करना, समझ आ गई। तो अब मेरे पास ए प्लस बी का होल स्केयर, इसको 2 टाइम्स करते हैं। अगर यहाँ होता माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, बस और कुछ भी, समझ आ गया बेटा सबको, क्लियर? अब कल ही इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, और अच्छी तरह आइडेंटिटीज लर्न करके आना, और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सारे बच्चे हैंड रेज किया करो, तभी पता चलता है कि यू आर एक्टिव। और आर्यन, टुमारो इट्स योर टर्न टू आंसर द क्वेश्चन, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं मानूंगी कि टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, एवरी डे दैट विल बी नॉट द प्रॉब्लम। ओके, बी ए गुड वन एंड टेक केयर बेटा।